हेलो दोस्तों, आज मैं इन सभी वायरों के साथ और इन सभी सामानों के साथ मैं आपको 6 से 7 टिप्स बताने जा रहा हूं। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने अगर आप मैकेनिक हैं तो इन सभी 7 टिप्सों को अगर आप अच्छे से ध्यान से देखेंगे तो आप अपने काम में और अच्छा प्रोग्रेसिंग ला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप इलेक्ट्रिक मिस्त्री हैं तो सबसे पहला काम आपको ये आएगा कि प्लास से यानी पक्का से वायर को कैसे छीलें, यानी इसको इसके अंदर का वायर निकालें पतला वाला। तो सबसे पहले इसको ऐसे पकड़ेंगे और इसको ऐसे लगा करके ऐसे हाथ में पकड़ लेंगे और ऐसे हल्का सा खींचेंगे, खींचने पे निकल जाएगा ये। बस देखिए, ये निकल गया और फिर कुछ भी आप काम कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरा टिप्स ये है कि इसको कैसे लगाएंगे। ये हेडलाइट का क्लिप है, इसको हेडलाइट का क्लिप बोलते हैं। आपके यहाँ क्या इसको बोलते हैं कमेंट में बताएं। तो सबसे पहले इसको कैसे करेंगे, इस वायर को ऐसे मोड़ेंगे, ऐसे मोड़ने के बाद इसके अंदर डालेंगे, इसके अंदर ऐसे डालेंगे और उसके बाद ये पकड़ से या पिलास इसको बोले, इसको ऐसे चापेंगे, ऐसे चापना है, इससे ये वाले सिरे से चापना है और इधर से इसको चापेंगे, इसको इधर से चापेंगे और फिर इसको ऐसे चापेंगे, ऐसे ऐसे चाप करके इसको दबा देंगे ऐसे, और ये हो गया, ये हो गया। तीसरा है कि किसी भी वायर को हम ऐसे अगर घुमा रहेगा, ऐसे ऐसे कोई भी वायर घुमा रहेगा पहले से ही, तो इसको सीधा कैसे करें, क्योंकि ये हाथ में ऐसे सीधा करने से ये देर भी लगेगा और अच्छे से सीधा भी नहीं हो पाएगा, अच्छे से नहीं हो पाएगा। इसको हम सीधा कैसे करें, तो पकड़ को ऐसे लेंगे और ये इसके अंदर लगाएंगे और ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे 1 से 2 बार करेंगे तो ये अपने जगह पे आ जाएगा। देखिए देखिए, ये अपने जगह पे आ गया 1 से 2 बार में। 2-3 बार ऐसे करेंगे, बस ये फ्रेश एकदम आ जाएगा पहले के जैसा। इसमें और इसमें दोनों में अंतर आपको लग जाएगा। चौथा है कि ये इसके अंदर कैसे डालेंगे, अच्छे से सही तरीका क्या है इसके डालने का, इसका सही तरीका है कैसे इसमें इसके अंदर डालें। सबसे पहले एक पेचकस लेंगे, सबसे पहले स्क्रू को पूरा खोलकर बाहर निकाल देंगे। इसके बाद वायर को अच्छे से छील लेंगे। हमारे यहाँ PVC के कट करने को वायर छीलना कहते हैं। आपके पास क्या बोला जाता है, बनने के बाद कमेंट में लिखिए। वायर छीलने के बाद उसे तो रोल बना दीजिए, ऐसे लगाएंगे और इसके अंदर ऐसे डाल देंगे। ऐसे डालने के बाद फिर इसको ऐसे लेंगे और लेकर के ऐसे लगा देंगे। ऐसे इसको टाइट कर देंगे, फिर इसके बाद ऐसे टाइट कर देंगे। हो गया ये, देखिए दोस्तों, ये हो गया।
पांचवा है कि ये वायर को एक्स्ट्रा वायर को इसके अंदर कैसे डालेंगे, इसमें या इसमें किसी में भी कैसे डालेंगे, क्योंकि इसमें जब आप सेल्फ का मोटा वाला वायर इसमें डालते हैं बैटरी से निकालते हैं, फिर उसके बाद वायरिंग के लिए एक्स्ट्रा एक और वायर निकलता है, जिस वायर को इसमें डालते कैसे हैं वो चीज़ आपको मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले इसमें भी आप डाल सकते हैं, और दूसरे नंबर कि इसको खोल करके इसको ऐसे खोलेंगे, और खोलने के बाद इसको बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकालने के बाद फिर इसको इधर रख देंगे, और इसको भी ऐसे रख देंगे। फिर रखने के बाद इसको ऐसे इस वायर को और थोड़ा ज़्यादा छीलेंगे इसको। तो छीलने के लिए ऐसे करेंगे और ऐसे इसको छील लेंगे, ऐसे थोड़ा टाइट पड़ रहा है ये छीलने में, ऐसे छील लेंगे और इसको और थोड़ा छील लेंगे, ऐसे छील लेंगे। फिर इसके बाद इसको गोल इसको बनाएंगे, ऐसे लपेट करके गोल बनाएंगे। सॉरी दोस्तों, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ आ रही हैं, क्योंकि मैं एक इलेक्ट्रिक मैकेनिक हूँ, तो ये मेरा दुकान है, मैं अपने दुकान में इस वीडियो को बना रहा हूँ, और जितना भी मेरा वीडियो बना है शॉर्ट में, वो सब मेरे दुकान पर ही बना है, मैंने बनाया है खुद से। इसको ऐसे लपेट करके इसको ऐसे डाल लेंगे इसमें, और डालने के बाद फिर इसको ऐसे लगाएंगे, और लाने के बाद ऐसे लगा लेंगे, ऐसे लगा लेंगे। फिर लगाने के बाद इसको ऐसे टाइट कर लेंगे, ऐसे इसको टाइट कर देंगे, ऐसे टाइट कर देंगे, और पाना से इसको टाइट कर देंगे। 12 नंबर या 13 नंबर इसमें दोनों पाना लगते हैं, छोटे बड़े नट के साइज की वजह से इसमें ये वाला हो जाएगा, और इसको भी फिर अपना टाइट कर लेंगे। छठे नंबर पर है कि ये इसमें इसके अंदर अटैच है, ये एक इसमें माइनस है, ये माइनस है और ये प्लस है, ये प्लस है इस बल्ब का, ये माइनस है ये और ये प्लस है। तो अगर ये वायर अगर आपसे टूट जाए कभी भी भविष्य में, ऐसे ये वाला टूट जाएगा, तो फिर हम इसमें माइनस कहाँ जोड़ेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले क्या कीजिए, इसको खोल लीजिए, इसको ऐसे आप खोल लीजिए, आप एक वायर लीजिए और वायर को छीलिए। देखिए दोस्तों, इस वायर को ऐसे आप छील लीजिए, पहले ऐसे इस वायर को छील लीजिए, छीलने के बाद ऐसे छील लीजिए, और छीलने के बाद इसको ऐसे लपेट लीजिए, ऐसे लपेट करके फिर आप इसको ऐसे गोल बना सकते हैं, ऐसे आप गोल बना के इसको ऐसे, और फिर इसके अंदर ऐसे डालिए, इसको ऐसे डाल करके फिर इसके अंदर टाइट कर दीजिए, इसके अंदर ऐसे टाइट कर दीजिए, ऐसे टाइट कर दीजिए, ये हो जाएगा, ये माइनस आपका बॉडी का अर्थिन, इसको हमारे यहाँ बॉडी का अर्थिन बोलते हैं, ऐसे टाइट कर सकते हैं। आखिरी टिप्स है कि आप हेडलाइट के होल्डर को वायर से कैसे अच्छे से कनेक्ट करेंगे कि ये गर्म ना हो। तो सबसे पहले दोस्तों, इसको ऐसे दो भागों में इसको बांट लेंगे, इसको भी और वायर को भी दो भागों में बांट लेंगे ऐसे, और वायरों को और इन दोनों तरफ के वायरों को अच्छे से दो भागों में बांटने के बाद आप इसको ऐसे करेंगे कि ये दो भाग में बट गए,
और इनको ऐसे सबसे पहले एक तरफ को एक को ऐसे लपेटेंगे, इसको ऐसे लपेटेंगे और दूसरे को भी ऐसे मोड़ेंगे। मोड़ने के बाद दोनों को ऐसे चिपका लेंगे और ऐसे करने के बाद फिर आप इधर से एक पकड़ लेंगे या पिलास लेंगे, पिलास भी और पकड़ भी इसको दोनों बोलते हैं। इसको ऐसे ऐसे टाइट कर देंगे। ऐसे टाइट करने के बाद फिर ये अपने जगह पे अच्छे से फिक्स हो जाएंगे और इनको ऐसे घुमा करके इनमें टेप मार देंगे। ये फिर गर्म नहीं होंगे कभी भी।